हाँ जी आशु भैया, क्या हाल है फिर? तो भैया ये हैं हमारे आशु भैया। पावर बैंक से चार्जिंग चल गई मस्त। अरे नहीं, इस बार तो सेव हो गई। ये क्या हुआ? ये व्हील पड़े हैं, जो अलॉय व्हील चेंज कराए थे साथ ही साथ ही, मतलब मैंने शोरूम से लिए हैं वो इंजन में ढूंढी। आर एस ये वाला था, मेरे को ब्लैक एंड ये ग्रे वाला चाहिए था। और ये हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बड़ों को मेरा राम राम, छोटों का हेलो। आई होप सभी बढ़िया हो गए। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और भाई आज अपना व्लॉग शूट हो रहा है भाई अपने घर से। और भाई थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, परेशानी हो गई है। मतलब ये हुआ कि जो आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा वाटर एक्टिविटीज़ वाला, तो भाई मैं फ़ोन से शूट कर रहा था तो फ़ोन में भाई पानी भर चुका है और फ़ोन में हो गया भाई दिक्कत। तो अभी क्या है अपना, मैं अपने घर वाले यानी दूसरा फ़ोन था यानी जो मैं एक्सचेंज करके ले गया था, तो मेरे पास दूसरा जो फ़ोन था वो जेड फ्लिप यही था, Z4। और एक ये वाला ले गया था, इसे एक्सचेंज करके, यानी ये सैमसंग का है, ये वाला सैमसंग का है। तो मैं इसे अपने घर दे गया था, मतलब घर वालों का है, घर वालों से ये ले गया था। और जो जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो है। तो अब हुआ क्या है, असली प्रॉब्लम हुई क्या है मेरे आईफोन में, तो भाई अभी दिखाता हूँ। देखो इसका मेन चार्जर ये है जो मेरे पास था, चार्जर ये वाला, ये मतलब पुरानी डाटा केबल और ये पुराना अडेप्टर। ये मैं नया खरीद के लाया कल सर्विस सेंटर पे लेके गया था अपने आईफोन को। अब ये पावर बैंक है और ये पेट्रोनिक्स की डाटा केबल है। तो गाइज़ अभी ये चेकआउट करो, चार्जिंग चल गई ठीक है अभी, ये ठीक है, ये चीज़ ठीक है क्योंकि मैं ये चीज़ करके भी आया हूँ। मेरा छोटा भाई भी नहीं है, उसके पास आईफोन है 13 प्रो है, तो इसमें दिक्कत नहीं है, तो ये तो ठीक है। और अभी मैं एक और मतलब बराबर में मेरे एक भाई रहता है देवेश, उसके फ़ोन में भी उससे मतलब लाइक चेक करके ले के आया हूँ कि भाई ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा, या मेरे फ़ोन में दिक्कत है, मेरे चार्जर में दोबारा से दिक्कत हो गई है। तो अब देखो मैं इसे चार्जिंग पर लगाता हूँ और आईपैड भी देखो चार्जिंग हो, चार्ज हो रहा है मेरे सैमसंग वाले चार्जर से हो रहा है। तो अभी ये चेकआउट करो गाइज कि अब मैं इसे देखो, अब मैंने चार्जिंग पर लगाया, इसमें चार्जिंग नहीं चली, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। हाँ एक दो बार ये ऐसे निकाल के कभी कभी चार्जिंग चल जाती है, कभी नहीं चल रही, नहीं चल रही। चल जा भाई, नहीं चल रही। अब देखो टाइप सी टू टाइप सी तो है, दोनों ही हैं ये, सैमसंग वाला भी कर देनी चाहिए, कभी कभी मैं कर लेता था। देखो चार्जिंग चली, आ गया और बंद हो गई, पता नहीं क्या इशू आ रहा है ये वाला। अब सिस्टम इसका समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। अब मैं पावर बैंक से और पेट्रोनिक्स की डाटा केबल से लगा रहा हूँ तो उससे चार्जिंग चल रही है, अब पता नहीं क्या हुआ है। और भाई अभी थोड़ी सी हालत ख़राब है क्योंकि रात में आके यहाँ पे मैंने अपना पूरा सामान खुला दिया रूम में, आप देखो। और पावर बैंक से चार्जिंग चल गई मस्त। अरे नहीं, इस बार तो इससे बंद हो गई। ये क्या हुआ? इसने तो मेरे साथ ही प्रैंक कर दिया। देखो दोबारा से चार्जिंग स्टार्ट हो गई। एक और ऑप्शन बचता है मेरे पास कि अभी जैसे मैं मार्केट जाऊंगा फोन को शायद दिखाऊं, नहीं तो फिर वही है जैसे लास्ट। और हाँ एक और चीज़ हुई थी, सर्विस सेंटर गया, वहाँ पे जाके चार्जिंग पे लगाया, वहाँ चार्जिंग चल गई और उसने साफ वाफ भी करा, अच्छे से चार्जिंग चल गई। मैं क्या बड़ा खुश कि भाई ठीक हो गया, वो पानी वानी का था सूख गया, चलो कोई बात नहीं। अब भाई वही है, अब जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरा तो वही है मानना। तो अभी कुछ अपना हाल ऐसे कर रखा है, मतलब यहाँ आके मैं सोया था अपने में, ये सब डाटा केबल और ये सब अपने वॉच का डाटा केबल है, ये चार्जिंग का, हेडफोन उठा लाया वहाँ से और देखो ये फर्स्ट क्लास चल रही है। और ऐसा भी होता है कि भाई आईपैड में अगर मैं ये वाली डाटा केबल लगाता हूँ और ये अपने फ़ोन में लगाता हूँ तो चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी पावर शेयर करनी स्टार्ट कर देता आईपैड तो चार्जिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, बट चार्जिंग ही नहीं हो रही और ऐसा अपना सीन चल रहा है भाई। अब देखते हैं, चलते हैं तो मार्केट में जाऊँ दिखाऊँ या फिर कोई और ऑप्शनल चीज़ देखूँ या किसी बात से करूँ, मतलब लाइक शॉप वाले से बात करूँ, देखते हैं हम जो भी होता है सिस्टम, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, सोच रहा हूँ।
और साथ में अपनी बाइक भी ठीक हो गई है। अभी दिखाता हूँ चल के, अपनी बाइक में जो दिक्कत थी वो सॉल्व हो गई है। अब चला के देखूंगा एक दिन, अभी आज तो नहीं चला पाऊंगा क्योंकि पहले से इतने सारे काम हैं। और एक बाइक और मिल रही है, वो बाइक भी देखने जाना है। तो गाइज आज कौन सी मिल रही है, कैसे मिल रही है, देखते हैं। कमेंट करके बताओ कौन सी, मतलब मैं अपग्रेड करना चाहूँगा। तुम्हें पता ही है शायद, अगर पता है मैंने नहीं, अरे मैंने तो अपनी बाइक दिखाई दी, एक ब्लॉग में दिखाई दी। अगर नहीं देखा हो तो जाके देख लो भाई, बाइक में हुआ क्या था, बाइक में हुआ क्या था, इंजन में दिक्कत आ गई थी और मेरे छोटे भाई जो है वो लेके चले गए थे। उन्होंने झटका वटका मार दिया, भाई वही ये बाइक तो है, अब अगर तुम अच्छे से नहीं चलाओगे तो भाई दिक्कत तो करेगी ही। तो चलो भाई अभी सिंपल सी चीज नीचे चलते हैं, तो मैं बाइक दिखा दूं, बाइक के नज़ारे और मतलब आदत हो गई है नज़ारे बोल बोल के, क्योंकि भाई 2 महीने से, और फिर आते ही गोवा चला गया। पहले कन्याकुमारी और वहाँ पे गए, फिर आते ही वहाँ पे चले गए गोवा, तो नज़ारे कहने की आदत सी हो गई है। तो चलो बाइक दिखाता हूँ, भाई नीचे चल के बाहर निकालते हैं उसे। और साथ में यार अपनी गाड़ी का मैंने तुम्हें शायद बताया था, अपनी गाड़ी में भी पीछे से कोई मार गया था, तो वो भी इंश्योरेंस पे गई हुई है। तो मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। i10 मुझे लगा घर पे होगी गाड़ी वाड़ी, i10 में गुड़गांव से लेके भी आया था, तो मुझे लगा कि वापस भेज देता हूँ, गुड़गांव में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पता चला कि भाई गाड़ी नहीं है, तो इससे तो बढ़िया रख लेता। विवेक आया था, उसको ज़बरदस्ती का लेकर आया था मैं कि तू गाड़ी ले आई हो वापस, क्योंकि वहाँ पर एस्टेट रहती है तो उसके लिए चाहिए रहती है, तो इस वजह से मैंने वो वापस भेज दी। पता चला सुबह भाई गाड़ी तो है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी क्या है बाइक तो है ही अपने पास, बाइक ठीक हो गई है, स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ऐसा है कि मेरे पीछे ऐसा हुआ, मैं बाइक की क्यों करूँ, बाइक से क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास हेलमेट नहीं है और माउंट भी नहीं है, तो आज शायद ऐसे ही करना पड़ेगा और साथ में GoPro भी नहीं आया, एक ही जगह स्टक पड़ा है वो, जो भाई लेकर आया था वो अपने घर पे गया हुआ है अहमदाबाद, वहां से ऐसा है कि वो वहीं से फ्लाइंग कर रहा है। अब वो जो GoPro जो है वो अहमदाबाद में उसके घर पे रखा हुआ, और वो शायद लॉस एंजलिस है या कहीं पे है। अब वही वाली सिरदर्दी हो गई है कि वो दिल्ली कब आएगा या फिर वो अहमदाबाद कब आएगा। पहली क्वेश्चन तो पहले अहमदाबाद कब आएगा वो, वही है। तो अगर अहमदाबाद आ जाता है तो मैं उससे फास्ट कुरियर करा लूँगा भाई, वही ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है कि इंडिया से बड़े जल्दी आ जाएगा, एक ही दिन में आ जाएगा। या फिर अगर वो दिल्ली आ जाए तो भाई मैं उससे एयरपोर्ट से जाके ले लूँगा, मेरे पास यही ऑप्शन है, 2-3 ऑप्शन देखते हैं। चलो आज बात करूँगा उससे भी कि भाई GoPro का क्या सीन है, तो वो अच्छा हो जाए। और साथ में यार हेलमेट भी देखना है, क्योंकि मेरे को अपग्रेड करना है, क्योंकि मेरे हेलमेट में आपको पता है कितनी सारी स्क्रैचेज हो गई हैं 2 महीने में, हालत ख़राब हो गई। एक वीडियो भी पूरी आएगी हंक पे और मेरे हेलमेट पे, मेरे फ़ोन में कहाँ क्या, मतलब अगर फ़ोन से करें तो क्या दिक्कत आएंगी, सारी की सारी एक वीडियो में पूरी प्रॉपर बनाऊंगा। मुझे बनानी भी थी, यानी कश्मीर टू कन्याकुमारी से आ रहा था, पूरा मतलब बताना था, तो अभी देख रहे हैं गाइस। ये व्हील पड़े हैं क्योंकि अलॉय व्हील चेंज कराए थे साथ के साथ ही, मतलब मैंने शोरूम से ही लिए थे, तो ये भी हटाना है यहाँ से। मैं सोच रहा हूँ कि DIY करते हैं इनमें ना, रस्सी जो बांध के वो करते हैं, सिस्टम जो करते हैं, ऊपर से गद्दी डलवा देता हूँ। तो ये मेरे रूम में ना, इस रूम में यहाँ पे चारों मतलब एक कोने में उस तरफ, मतलब लाइक डेकोर जैसे करते हैं इस तरीके से, तो अपना यही रूम है। तो अभी ये थोड़ा सा डेकोर भी करना है, स्टूडियो टाइप से बनाना है, ये टेबल वेबल तरीके से लगानी है ये सब। तो भाई काम तो बहुत करने हैं, क्योंकि अब गुड़गांव से ज़्यादा मैं यहीं पर रहने की कोशिश करूँगा बुलंदशहर में, क्योंकि और भी गाँव है। जैसे मैंने बुलंदशहर के लिए बोला था कि भाई बुलंदशहर में इतने सारे गाँव हैं, अपनी अपनी हिस्ट्री है कुछ ना कुछ गाँव की, तो भी स्टार्ट करेंगे, जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। और अभी सिंपल सा पहले यही है कि भाई पहले तो अपनी चीज़ें डेकोर करनी पड़ेंगी, यही कि हजे डायर मतलब लाइक एक यही नहीं है जो सिर्फ ये करना है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं ऐसे इधर उधर उधर, तो अपना ये सब डेकोर करना है। क्योंकि देखो सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पर ना कोई नहीं रहता, ग्राउंड फ्लोर पर अपनी पूरी फैमिली रहती है मेरी, तो ये मेरा और मेरा छोटे छोटा जो भाई है छोटो उसकी फ्लोर है पूरी की एक तरीके से। तो अब इसे धीरे धीरे अपने आप अपने तरीके से, मतलब मैं तो आता था एक आध दिन के लिए, तो आप चीज़ देख भी रहोगे, ये सब चीज़ें मेरी ही करी हुई हैं पहले की, मैं स्टडी करता था इस तरीके से। यहाँ फैन वैन भी हटा ही रखा, ये सब लगाने पड़ेंगे। तो कैसा लग रहा भाई अपना ये रूम, एक बार दोबारा से अच्छे से टूट दे देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ स्टडी टेबल,
ये बेड था अपना जो सोने के काम आता था, ये सब मैंने ही लगाए हुए हैं। ये पूरा वर्ल्ड मैप बढ़िया प्यारा लग रहा है ना। ये साथ के साथ ये जो काली दिख रहे हो ना दीवारें, ये मेरे छोटे भाइयों के हरकते हैं। ये बेड इधर था, मैंने अभी इधर करा, तो ये देखो यहाँ पे वाइट का कर ही देते हैं, तो धीरे इस पर ना कलर वलर भी करूँगा इस तरीके से, और ये हटा दूंगा इस बार क्योंकि इस पर ना बहुत सारे स्क्रैचेज आ गए हैं, इसे तो हटा ही देंगे। इसकी कोप लाइट भी ख़राब है, ये मतलब ऐसा था बिजली ख़राब आ गई थी तो कोप लाइट भी ख़राब हो गई थी। देखो नहीं तो बाकी की सब लाइट जल रही हैं, देखो मैं ऑन करके दिखाता हूँ, कोप लाइट नहीं जल रही, कोप लाइट भी ठीक करानी है इसमें। देखो ये जो है थोड़ी सी बाहर निकल भी रही है, ये इन्हें कोप लाइट बोलते हैं, तो ये ख़राब हो गए हैं। यहाँ भी कोप लाइट डलेगी, ऐसे कोप लाइट डलेगी एक पूरी की पूरी इस तरीके से, तो यहाँ दो कलर की, दो या तीन कलर की कोप लाइट, दो कलर की ही डलवाई हुई थी पहले भी। हाँ तो वो डलवानी है, वो ठीक भी करवानी है क्योंकि भाई ऐसे ही हो जाता है जब पीछे। तो अभी चलते हैं और बाइक दिखाता हूँ अपना आपको, गाइस कैसी है मेरी बाइक, कैसी ठीक हुई है, वही है या नहीं हुई, चला के एक छोटा सा राउंड में भी ले लेता हूँ। और मोटा व्लॉगिंग प्रॉपर कर नहीं पाऊंगा क्योंकि हेलमेट है नहीं, छोटा भाई लेके गया हुआ है, मामा के घर पर गया हुआ है। तो अपनी बाइक ये रही, अभी देखते हैं ठीक हुई है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और ये मेरी विजनो नंबर है क्योंकि मेरे को चाहिए थी भाई दीपावली वाले दिन। मेरा ऐसा था कि मैं यहाँ पता करी थी, मैंने यहाँ पे बुक कर रखी थी, मैंने बुक कौन सी करी हुई थी मैं सही बताऊँ तो ड्यूक 390 करी हुई थी, 390, बट मोस्ट प्रोबेबली ये आई। वो हुआ क्यों मैं बताता हूँ इसकी कहानी, इसके पीछे की कहानी। ये ऐसा हुआ कि भाई दीपावली तक मैंने बुक कर रखी थी, और जो KTM 390 वाले थे उन्होंने दीपावली धनतेरस पे देने के लिए मना कर दिया कि सर वो आपकी बाइक आ नहीं पाई है और ये वो फलाना ढिमाना, जैसे भी था पता नहीं, उन्होंने देनी थी नहीं देनी थी वो उनके। तो मेरा ये था कि मेरे को आज के आज चाहिए, वो वाली बात जैसे भूल मांग की मेरे को आज के आज ही चाहिए, तो वो वाली चीज़ थी। मेरा थोड़ा सा ऐसे ही है क्योंकि मेरे पास जो बुलेट थी वो बेच दी थी, तो मैं बिन बाइक का हो गया था, स्कूटी वाला हो गया था सही बताऊँ तो। और गाड़ी तो घर उस टाइम पर मिलती ही नहीं थी, कभी यहाँ जा रही है वहाँ जा रही है, तो छोड़ते ही नहीं थे। तो फिर ऐसा हुआ दीपावली वाले दिन मैंने बुलेट शहर में ढूंढी RS, ये वाला कलर मेरे को ब्लैक है, ये ग्रे वाला चाहिए था, और ये एकदम मस्त भी लगता है भाई, ये एकदम बीस्ट लगती है ओरिजिनल, हाँ गैंगस्टर लुक देती है ये वाली जो है। तो दीपावली वाले दिन मैंने क्या काम किया, गाजियाबाद पूछी, नोएडा पूछी, अपना बुलंद शहर में दो तीन हैं आसपास गांवों की, मियाँ शाना अपने पास है, गुलावठी भी है, खुरजा भी पूछी मैंने कि भाई मिल जाएगी नहीं मिलेगी, नहीं मिली। लास्ट में मैंने अपने मामा को फ़ोन किया, मामा बिजनौर में पोस्टिंग है, पुलिस में है वो, तो उनसे बोला कि भाई मामा ये चाहिए मेरे को RS 200, मेरे को आज गया जी। उन्होंने अरेंज करवाई और मामा ने वहाँ से उठाई, तो लेने को हम ले सकते थे, बट मतलब यहाँ का बुलंद शहर का भाई NOC आगे कट जाती, तो RTO जो है वो बुलंद शहर का हो जाता, बट नंबर से मतलब मेरे को था ही नहीं कि मेरा मतलब था इससे, कौन सी पल्सर RS 200, मेरा मतलब था सिर्फ इससे कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ना नंबर चाहिए ना कुछ चाहिए, मेरे को पहले बाइक चाहिए। दीपावली वाले दिन बाइक मिल गई, और देखो ज़्यादा ओवर एक्साइटेड जब हो गया था तो नंबर का ध्यान नहीं दिया, नहीं तो नंबर ये था कि UP 13 ही आता। और देखो भाई हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई रहता है, तो भाई BP वाली है 90-96 कहीं मिले तो देख लो भाई। चलो तो अभी इसे देखते हैं, आवाज़ आवाज़ चेकआउट करवाता हूँ, और एकदम आवाज़ तो ऐसी करती है ना नेक्स्ट लेवल, ऐसे चिंगाड़ती है ना, जैसे सुपर बाइक करती है ना भाई, वही है मेरे को फील देती है भाई। और ऐसा ही अपनी है, इसे मैं कभी नहीं जाने दूंगा अपने पास, इसे नहीं जाने दूंगा कभी भी, कोई मैं अपग्रेड करूंगा फिर उसके बाद अपग्रेड करूंगा, उन्हें बेच दूंगा बट इसे नहीं बेचूंगा, इसे तो अभी अब ढंग से और सजवाना है। चलो तो गाइस साउंड नोट सुन लो इसका एक बार, आवाज़ एकदम मस्त करती है, चिंगाड़ती है, बीस्ट है ये दूसरा, इसे बीस्ट बोल सकते हैं एकदम तरीके से, क्योंकि भाई भागती जब है ना ये अपने 6000 RPM से ऊपर जाती है, तो ऐसे दौड़ती है ना वो, पूछो। चलो अभी बहुत दिन के बाद बाहर निकालने को मिले थी, नहीं तो नसीब भी नहीं हो रही थी, तो अपना अलग प्यार है। चलो बस बंद कर दे।
एक आदमी तो किस्मत चमकेगी फुट में आ गए ट्रिप करते हुए ब्लॉगर साहब या वहां से लद्दाख लद्दाख से आए पंखे होंगे देखो पिछवाड़े में तो पिछवाड़े पंखे होंगे देखो गाइस चलो तो फाइनली अपनी हंक भी आ गई है जाना अभी सबसे पहले भाई फोन ठीक कराना है मतलब फोन में क्या दिक्कत है अगर उसे दिखानी है और साथ में एक बाइक बता रहे हैं कोई एक दोस्त बता रहा है मेरे बाइक के RS 200 मिल रही है ड्राइवर चाल नवाब के साथ और कैमरामैन नितिन चौधरी के साथ आप जा रहे हो बाइक देखने है भाई है वरुण आगे देख ले दोनों मिली मंदी का भी आके इससे भी मिलना है तो अपनी थोड़ी सी बाइक में दिक्कत थी वो सॉल्यूशन करवा लिया है मतलब दिक्कत क्या वही चल के आई है तो थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो गई है साथ में जो भी था इसके लाइट वाइट के वायर और ये सब हॉर्न वोन के सब नए चेंज हो गए हैं देखो ये और ये लाइट वाइट वापस से वर्किंग हो गई है और इसका जो चार्जिंग और ये सब थे वापस से अपने भाई ने वर्किंग करा लिए हैं जहाँ से और वो शॉप भी बदल दी है और साथ में देखो भाई हेलमेट वेलमेट में दिखाता हूँ हेलमेट देखना था तो एक पसंद आ रहा था स्टील बर्ड का तो मैंने बोल भी दिया अगर इन्हें मिल गया इस तरीके का एक स्टील बर्ड का था ये ग्लोस ब्लैक में जो एक ग्लोसी ब्लैक देख रहा है और इसमें वाइट वाइट ये जो दाने से पड़े हुए हैं इसी तरीके से एक स्टील बर्ड का है तो मेरे को वो पसंद आ रहा है और देखते हैं अगर कुछ ऐसे ही है उसमें पीछे विंगलेट लगा हुआ और सेम एडजेक्ट अगर दिखाऊं तो कुछ वो हेलमेट ऐसा है पीछे ऐसे विंग लगा हुआ है तो एक अलग ही लुक देता है ये शार्की लुक मतलब उसको शार्की बोलते हैं वैसे हेलमेट का जो नाम है तो देखूंगा अभी बुलंद शर्मा तो यही है एक आध शॉप और देखेंगे अगर मिल गया तो फिर यहीं से ले लेंगे नहीं तो ये जानकार है अपने भैया तो इनसे बोल दूंगा और हेलमेट मंगा लेंगे तो अभी चलो फ़ोन दिखाता हूँ सबसे पहले बाइक वाइक जो देखनी थी वो देख लिया अभी नहीं दिखा रहे आराम से ही दिखाऊंगा अगर लेनी होगी तो दिखाएंगे नहीं तो फिर देख जैसे भी और शाम को वापस बुलाया शाम को बैठ कर उससे बात करेंगे अगर ठीक है अगर मान गया तो ले लेंगे नहीं तो भाई कि मैंने देखी थोड़ी सी ना उसकी माइनर कंडीशन थोड़ी सी ऐसी हो रही है ख़राब सी फेयरिंग वेयरिंग जो है RS की ख़राब है और देखो RS के बारे में मेरे से ज़्यादा मतलब जैसे मैं चलाया तो अपने ग्रुप में मेरे से ज़्यादा मैं ही जानता हूँ मतलब उसके कहाँ दिक्कत है क्या होगी चला के देखिए उसका फ्यूल व्यूल पंप की कौन सा ख़राब है उसका मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखेंगे बैठ के बात करेंगे इससे बात करूँगा और जो पसंद आ रही है तो ले लेंगे नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं वाली चीज़ है अभी ये बाइक मैं इसका कोई फिल्टर विल्टर चेंज कराया था वो गंदा हो रहा था और अपनी स्कूटी उठा के अभी भाई फ़ोन दिखाने जाना है पहले फ़ोन दिखाता हूँ अगर भाई फ़ोन ठीक नहीं हुआ तो ऑप्शन ये है कि दूसरा फ़ोन लेना पड़ेगा और वैसे भी मैं अपग्रेड करने की सोच रहा था तो फिर सीधा स्टोरेज 512 ले लेंगे तो मैं जहाँ से लेता हूँ वो दुकान ये है कौन सी मोबाइल गैलरी अभी अपने आशु भैया से मिलवाएंगे तो मैं अभी क्या क्या हो गया मैं तो ना कर रहा हाँ जी आशु भैया क्या हाल है फिर भैया तो भैया ये हैं हमारे आशु भैया और अब ये फोन देंगे कौन सा दे रहे हो फिर फोन मेरा फोन ले लो मेरे को देखो मैं करना है 512 जी ना मैक्स ना लेना क्योंकि मेरे को हैंडेबल चाहिए हैं ठीक पक्का अच्छा ऐसी बात है चलो अभी देखता हूँ मैं दोनों तो फिर इसकी इसका बताओ इसका क्या होगा इसका क्या होगा कुछ हो सकता है इसका तो एक्सचेंज करवाओ फिर इसे और मेरे को पकड़ा दो दोबारा तो चलो जी फोन लेते हैं मैक्स भैया तो मैक्स की बोल रहे हैं और मैं कह रहा हूँ प्रो ही ले लूँ मैं मैक्स पक्का मैक्स लूं मैक्स लूं हैं प्रो काफी चला लिए ओए मैक्स लूं या वो प्रो काफी चला लिए प्रो लूं मैक्स भैया 14 प्रो मैक्स दो मैं अभी ना ले रहा ज्यादा खर्चा हो जाएगा यार वो 1,80,000 रुपए का और वो कितने का 1,40,000 कितने का पड़ रहा है 1,60,000 रुपए का नहीं 14 प्रो 14 प्रो 14 प्रो मैक्स है आपका 1,40,000 रुपए का
हाँ तो 40,000 रुपए तो बचेंगे मेरे। नहीं नहीं आप भाई देखो मैं लेना चाह रहा हूँ 14 प्रो मैक्स, पर भैया चिपकाना चाह रहे हैं नया वाला, मतलब ये कह रहे हैं देखो बड़े भैया होने का फर्ज वो आप 15 प्रो मैक्स लेके जाइए, लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट एप्पल का मॉडल, 180,000 रुपए वाला, 512 GB का, आप उसे लीजिए। तो भाई ये बोल रहे हैं कि भाई नया ले लो, अब मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ, अब ये दे रहे हैं ये वाला और मैं मांग रहा हूँ 14 प्रो उठा के देना एक बार। 14 प्रो मैक्स ये नया मॉडल। अच्छा अब ये कितने का? 180 का, 180 का और इससे कम वाला 256 GB वो कितने का? वो 160 का है, वो 160 का अलाउ दो। अब मैं इनके साथ स्कैम करने वाला हूँ, एक काम करो मैं जा रहा हूँ ठीक है, ये मुझे 3 फोन दे दिए मैं जा रहा। ठीक है भैया कैसे रहो? ठीक है संभल के फोन वोन कर दियो अगर कोई दिक्कत हो। अरे मेरे भाई आप भाई तीनों आप, फोन खरीद लिए हैं, ऐसे ले जाओ आप, ऐसे ले जाओ क्या कहते हैं, मैं जो लेना चाह रहा हूँ मुझे चाहिए ये वाला, तो आप ऐसे ही ले जाओ। ये भैया कह रहे हैं कि भाई साहब के 15 प्रो, अब मैं धर्म संकट में पड़ रहा हूँ कौन सा लिया जाए, कौन सा लिया जाए 14 प्रो मैक्स। हाँ मतलब बात ये है कि भाई गाड़ी भी नहीं है, अब ये एकदम से बर्डन आ गया, ये खर्चा होगा आगे 12 जोते लेंगे करनी है, खर्चे बहुत हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, मैं सोचो बजट के हिसाब से। अभी भैया अपनी राइड ये होने वाली है और देखो प्लस हेलमेट अभी तो लेके नहीं आया था, बात ये है कि हम जल्दी जल्दी आ गए थे फ़ोन वोन का मतलब अरेंजमेंट, कौन सा लूँ नया लूँ या मतलब कहने का मतलब नया वाला यानी 15 प्रो मैक्स लूँ या 14 प्रो मैक्स लूँ, बहुत देर बाद सोचने के बाद में बात अपने यार दोस्तों से बात करने के बाद में फिर यही ले लिया लास्ट ऑप्शन के 14 प्रो मैक्स ही ले लेते हैं, आगे मन हुआ तो देखेंगे, वो EMI पे मतलब दिमाग में है कि EMI। चलो अभी पहले घर चलते हैं फिर बात करते हैं। अपने में बना ले, इतनी ले रहा हूँ, एक काम कर अपने में बना। तो ना घर में कैसा अंधेरा कर रखा, लाइट वाइट तो जला देते, कहाँ है सब घर के। चलो भाई फोन तो ले आया हूँ, घर वालों को भी दिखा देता हूँ कि भाई बता देता हूँ कि मैं 14 में तो दिक्कत है, इस वजह से मैं एक काम किया उसे सेल कर दूंगा बाद में, मतलब ये बात है। तो 14 प्रो मैक्स ले आया हूँ मैंने जैसे बताया तुम्हें, और बात ये है थोड़ी सी दिक्कत हो गई है 14 प्रो में अपने में, तो 14 प्रो मैक्स ले आया मैं 512 GB, क्योंकि इस वजह से कि भाई थोड़ा सा स्टोरेज भी बढ़ जाएगा और प्लस ये है वो 180 का आ रहा था, ये 140 का, 40,000 तो फिर भी बची गए, 40,000 में और भी बहुत सारे काम हो जाएंगे, तो इस वजह से मैं 14 प्रो मैक्स ले आया हूँ 512 GB। तो घर वालों को भी दिखा देते हैं, अब बता देता हूँ कि भाई अपने फ़ोन में दिक्कत हो गई है। तो मौसी तो यहीं बैठी हैं, मौसी वो मैं फ़ोन ले आया हूँ दूसरा वाला, लो देख लो उसमें क्या 14 प्रो मैक्स में दिक्कत हो, सॉरी 14 प्रो में दिक्कत होगी, इस वजह से फिर नया ही खरीद के ले आया, देख लो खोल के ये वाला लाया, मतलब उसी का बड़ा वाला उठ जाना ये है। सही किया गलत करा? सही करा भैया, जब तेरा खराब हो गया तो लाना तो है ही। हाँ इसी वजह से मैंने कहा क्या दिक्कत परेशानी होगी, उसे एक काम करूंगा बेच ही दूंगा उसे, जो भी ठीक करवा के उसे दिक्कत परेशानी जो भी हो रखी है उसमें उसे ठीक करवा के बेच देंगे और इसे चला लूंगा, ये सही है। और बात ये भी है वो 256 GB है, ये 512 RAM है, मेरे को स्टोरेज भी ज्यादा मिल गया इसलिए, और ये है कि थोड़ा सा सस्ता भी मिल गया, 20,000 कम का मिल गया, वैसे तो 160,000 रुपए का, 20,000 रुपए सस्ता मिल गया। सही है ना? सही है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। चलो धन्यवाद, अब पैसे तो तुम्हें ही देने हैं पर। हाँ दे। क्या दे देंगे? कोई बात नहीं। चलो जी ऐसे ही होने चाहिए घर वाले कि जब दिक्कत है, क्या कह रहा सर? कुछ नहीं पैसे कोई दिक्कत है। अच्छा चलो जी भाई, तो भाई व्लॉग को करते हैं बैंड, व्लॉग शायद बहुत बड़ा हो गया हो, और जैकेट वेट घर आते ही उतर जाओ तेरी है ना, गर्मी ज्यादा आ रही है तुझमें। चलो तो भाई व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, एंड भाई बताना जाके कोई हेलमेट अच्छा सा सजेस्ट कर दो यार, मेरे को हेलमेट भी चाहिए, और साथ के साथ फ़ोन मैंने ठीक किया या नहीं वो भी बताना, और प्लस मैं यार वो अब जब उसमें दिक्कत हो गई है तो यार उसे ना ठीक करवा के वारंटी में ठीक हो जाएगा, उसे मैं सेल आउट कर दूंगा, तो यही बेटर ऑप्शन लगा मेरे को। और बात ये भी है अपग्रेड भी करना था, इस वजह से मैं 512 GB
खरीद के ले आया और 20,000 यार सस्ता भी मिल गया क्योंकि अपनी ही जानकार है भैया। और भाई अगर तुम्हें लेना हो तो आशु मोबाइल गैलरी से जाके फ़ोन कर सकते हो मेरा नाम लेके, भाई आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी।